हिंदुस्तान ने इस साल अपनी मिसाइल पावर का पूरी दुनिया को एहसास दिला दिया। एक के बाद एक 11 महीनों में 11 मिसाइलों के सफल परीक्षण से दुश्मन देश में खौफ है। भारत ने ये बता दिया कि दुश्मन देश की ना फरमानी उसे महंगी पड़ सकती है। हिंदुस्तान की मिसाइल पावर से बचना अब नामुमकिन है। नवंबर महीने में भारत ने पृथ्वी 2, अग्नि 2 और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। अब हमारे बेड़े में एक और खतरनाक हथियार शामिल होने वाला है, जिसका नाम है K4। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K4 मिसाइल का परीक्षण इस हफ्ते के आखिर में किया जा सकता है। पानी से जमीन पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल के परीक्षण भर से ही पाकिस्तान थरथर कांप रहा है। जागरूक नागरिक बनाने की पहल अगर बचपन से ही हो जाए तो बच्चे बड़े होकर एक सजग नागरिक बनेंगे। ऐसी ही एक पहल शुरू हुई है मुंबई से। मुंबई में एक एनजीओ ने आपको बताया कि एक्टिजन कॉन्टेस्ट किया है। इस कॉन्टेस्ट में देश भर के स्कूली छात्र शामिल होंगे, जो छोटी सी प्रतियोगिता में शामिल होकर भविष्य के एक्टिव और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सकेंगे। देश के स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स देने की भी जरूरत है, जिसके जरिए वो अपने आसपास की समस्याओं को सुलझाने में भूमिका निभा सके। ऐसे छात्र अलर्ट हों, एक्टिव हों और जागरूक नागरिक बने, इसके लिए देश भर के स्कूली छात्रों के लिए एक्टिजन कॉन्टेस्ट लॉन्च किया जा रहा है। देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन की तरफ से इस कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। एक्टिजन कॉन्टेस्ट में दरअसल क्या होगा, स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान निकालने होंगे। कॉन्टेस्ट के विजेता दबंग फिल्म के सब्जेक्ट का हिस्सा होंगे। टीचर्स को यंग एक्टिजन मेंटोर अवार्ड दिया जाएगा। शानदार प्रदर्शन करने पर स्कूल को ट्रॉफी दी जाएगी। We identified schools as being most uniquely positioned because they have the access to the young. And there's another reason that the leadership in the world is now starting to manifest at younger and younger age. And I can't be telling you all the informed people here about it. So we saw that yes, the youth is there and schools have the access to them, let's partner with them. सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट और इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर डॉक्टर पार्थ जे शाह के मुताबिक, अच्छी नीतियां और सुशासन को सिटीजन एजुकेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो राष्ट्र पर इसके बेहतरीन प्रभाव होते हैं। And educated several hundred teachers from Ambala in Haryana to Visakhapatnam in Andhra. देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन पिछले 4 सालों से देश के 800 से ज्यादा स्कूली बच्चों को सिटीजन एजुकेशन के फायदों को लेकर शिक्षित कर रही है। मुंबई से सुभाष दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।